वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिविर कृति टू। आज के वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं हमारे लिए क्लास 11th एंड 12th का जो एनसीईआरटी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है ना, उसके एज पर द लेटेस्ट सिलेबस सीरीज शुरू करेंगे। लेट मी गिव यू माय इंट्रो इफ यू आर विजिटिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। माय नेम इज कृति साहू, एजुकेशनल कॉन्टेंट क्रिएटर सिंस लास्ट 3 ईयर्स, परसुइंग माई ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आज हमको कवर करना है क्लास 11th का पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी का नंबर 1 चैप्टर जो मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे, वो है व्हाट इज पॉलिटिक्स, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स। कंप्लीट आपका चैप्टर होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है। पहले मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बताना चाहूंगी। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सिंपली यू विजिट माई वेबसाइट। अगर नहीं मिलते हैं, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टू माई इंस्टाग्राम। दूसरी चीज, ये जो वीडियो है वैसे तो एक ही पार्ट में आएगा, बिकॉज आई थिंक दैट कि पॉलिटिकल थ्योरी के जो चैप्टर्स है दीज कुड बी एक्सप्लेन्ड विद इन 20 मिनट्स। तो मैं वो ट्राई करूंगी, मैं ऐसा ही करूंगी। और अगर नहीं होता है तो वी मे हैव 2 पार्ट्स, लेकिन इस वीडियो का तो पार्ट 1 ही है, दैट सिंपल। ये वाली जो बुक है ना, वो आपको चैप्टर 1 बड़ा बोरिंग लगेगा। मैं लिटरली बता रही हूँ, बोरिंग लगता है व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल थ्योरी, ये है आपकी बुक का नाम, ठीक है? पॉलिटिकल थ्योरी बुक का नाम है, और थ्योरी आपको पता ही है बोरिंग होती है। तो मैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बोर नहीं करूँगी। पॉलिटिकल थ्योरी में हम बेसिकली ये बात करेंगे, आज हम जिन आइडियाज़ को वैल्यू करते हैं, हमने उनको वैल्यू करना कहाँ से सीखा, जिन आइडियाज़ की हम बात करते हैं वो आखिर हमको मिले कहाँ से, या किसी पर्सन ने दिए, इवॉल्व हुए, भगवान ने दिए, या फिर कैसे आए ये एग्जिस्टेंस में। फ्रीडम, अगर मैं आज आपको एक रूम में कैद करके रख दूँ, यू विल से दैट ये गलत है, आपने ये बोलना कहाँ से सीखा। मैं अगर एक इंसान को लाइक दो, देर आर टू पीपल, वन बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, 1 to SC, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक को मैं 1000 काम दूँ उस काम का, और एक को जो है 200 रुपये दूँ, यू विल से दैट कि ये इनइक्वालिटी है। मैं कहती हूँ आपने ये कहाँ से सीखा, आपको इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, फ्रीडम, इन सब के वैल्यूज के बारे में कैसे पता चला। पॉलिटिक्स आपको एग्जैक्टली यही बताने वाला है। तो लेट्स सी एंड चेक करते हैं हमारे बाकी टॉपिक जो हम इसमें कवर करने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाता है, व्हाट इज पॉलिटिक्स। मैं आपको एक बेस्ट मेथड बताऊं, अगर कभी भी लगता है ना कि किताबें बोरिंग हो रही है, कोई कॉन्सेप्ट बोरिंग हो रहा है, उसको ना क्वेश्चन फॉर्म कर लो और फिर सवाल खुद से ही पूछते रहो, देखना एक टाइम बाद ना बड़ा ईजी लगने लगेगा। इफ आई एम आस्किंग यू वन ऑफ द क्वेश्चन, प्लीज टेल मी द कॉमेंट सेक्शन, जब मैं वर्ड पॉलिटिक्स बोलती हूँ, व्हाट आर द आइडियाज जो आपके दिमाग में स्टक कर रहे हैं। मैं बोलूंगी तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आएगा स्कैम, मेरे फिर आएगा करप्शन, और देर आर मेनी अदर वर्ड्स, राइट? बट ऑफन वी कंसिडर कि हम स्कैम को और लीडर्स को ही पॉलिटिक्स मान लेते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इससे भी ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। देखते हैं वो क्या है। इफ यू सी, पॉलिटिक्स ना एक स्टडी है, स्टडी ऑफ पावर और द स्ट्रगल फॉर पावर। और वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि राजनीति में ही हो, लाइक गवर्नमेंट में ही हो, पॉलिटिक्स तो आम लाइफ में भी हो सकती है। पॉलिटिक्स कुड बी बिटवीन 2 पीपल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं से भी बिलोंग कर सकता है। पॉलिटिक्स घर में हो सकती है, पॉलिटिक्स स्कूल में हो सकती है, पॉलिटिक्स दोस्तों में हो सकती है, पॉलिटिक्स कहीं भी हो सकती है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट स्ट्रगल फॉर पावर। और पावर जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह होती है। कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती अगर वहां पर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बिकॉज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कुछ डिसीजंस लेने के लिए जरूरी है। कुल मिलाकर सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए वी नीड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इससे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। अ नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हम बात कर सकते हैं फैमिली, ट्राइब, इकोनॉमी, इंस्टीट्यूशन, ये सारे लोग ना इमर्ज हुए हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक पीपल फुलफिल देयर नीड्स एंड एस्पिरेशन बाय डूइंग सो। सच इंस्टीट्यूशन हेल्प अस फाइंड अस वे ऑफ लिविंग टुगेदर, एक्नॉलेजिंग आर ऑब्लिगेशन टू ईच अदर। व्हेन वी टॉक अबाउट द सोसाइटी, वी आर एक्चुअली बाउंड इन ऑब्लिगेशन। कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, दैट वी आर नॉट सपोज टू डू सो एंड वी आर सपोज टू डू सो। ये जिम्मेदारी पूरा करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे आर सपोज टू टेक अ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। हर एक इंडिविजुअल हर एक चीज़ के लिए डिसीजन नहीं ले सकता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि हमें देश को रूल करना है, तो ठीक है, वी नीड टू हैव सम रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे बिहाफ में वहाँ पे रूल करेंगे। आप और मैं तो टुगेदर नहीं कर सकते ना, सोचो ना, फिर ऐसे तो कितने सारे लोग हो जाएंगे, फिर कैसे जो है वो रूल करेंगे। फाइन, लेट्स सी द नेक्स्ट वन।
हाउ गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे फंक्शन इज दस एन इम्पॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स. क्योंकि मेन थिंग पावर वाली बात ना जो गवर्नमेंट में आती है, इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दे फंक्शन. लेकिन यहाँ देखिएगा, पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो एक बहुत बड़ा मिथ है कि जब भी हम राजनीति की बात करते हैं तो लोग आ जाते हैं सरकारों पर, नेताओं पर. नहीं, वहाँ तक सीमित नहीं है ये राजनीति वाला कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है. इन फैक्ट वट गवर्नमेंट डू इज रेलिवेंट बिकॉज इट affects the life of the people in many ways, like economic policy ke through, foreign policy ke through, educational policy ke through. This affects our life na, kisi na kisi tarike se. Since action jo government leti hai, wo hame effect karte hain aur hum par kahin na kahin effect karte hain. So we are supposed to take a lively interest into this one. Kabhi dekha election hone to sabzi wale ko bhi dekh lena, bada excited rehta hai. वो ना सब्जी वाले से लेके मजदूर से लेके हर एक इंसान को फर्क पड़ता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आनी है, कौन सी नहीं आनी है. द रीजन इज दैट सरकार जो भी डिसीजन लेती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे पड़ता है. सो वी आर सपोज टू टेक इंटरेस्ट हेयर, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि वो हमारे लिए बना रही हैं सारे नियम. सो वेन पीपल डिसएग्री, लेकिन स्टिल अभी सवाल यहाँ पे बाकी है कि पॉलिटिक्स आखिर ये है क्या. हम एक सिंपल डेफिनेशन अगर कहें तो पॉलिटिक्स, we will just see that thing. But when people disagree with the policies of a government, we protest and organize demonstration to persuade the government to change the existing law. इससे पहले हमने लाइन क्या देखी थी, इससे पहले हमने लाइन देखी थी कि जो भी सरकारी नियम बनाती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पर पड़ता है. अब चूंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पर पड़ता है, हो सकता है सरकार ने कुछ नियम बनाया विच इज़ नॉट इन द फेवर एंड वो सही नहीं है. जैसे आपको पता होगा अभी फार्मर्स लॉ बना था, ठीक है, फार्मर कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था इसको लेके. कई जगह जो है कोरोना बिल पास हुआ था उसको लेके भी, कोरोना बिल इन द सेंस कि कोरोना प्लान एक्चुअली, ठीक है, कोरोना प्लान. GST वगैरह आया था, डिमोनेटाइज, मतलब बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए, लोगों ने डिसअग्री किया. सो वी हैव ऑल्सो वन ऑफ द वे कि हम जब सरकार के पॉलिसीज से अग्री ना करें, वी फाइंड देम कि ये हमारे लिए सही नहीं है, वी कैन एक्चुअली प्रोटेस्ट. और ये प्रोटेस्ट करना हमने कैसे सीखा, ये सही गलत करना हमने कैसे सीखा, वही तो इस चैप्टर में पढ़ना है. फाइनली पॉलिटिक्स अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन्स, यू एंड मी हैव डिफरेंट विजन. आप में से कई सारे लोग यहाँ पे आएंगे, दे विल से दैट ये वीडियो बहुत अच्छी है, एंड देर विल बी सम पीपल विल से दैट कि क्या पढ़ा रही है, वही तो लिखा हुआ है. आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन. तो everyone having a different opinion, what is just and desirable for us and our society here. So like in this one, like in the this whole procedure, we can say multiple negotiations involve hote hain that go on in society through which collective decisions are made here. This is what is a politics. Politics bahut dimensional word hai. In everyday life हम politics refer कर लेते हैं in a way that countries are governed, ठीक है, और किस तरीके से उनकी सरकारें चल रही हैं, वो किस तरीके से नियम कानून बना रहे हैं अपने देश में. पॉलिटिक्स हमको अदर ग्रुप्स में भी देखी जा सकती है, जैसे कि आप कंपनीज में भी देख सकते हो, क्लब्स में भी देख सकते हो, स्कूल्स में भी देख सकते हो, चर्चेस में भी देख सकते हो. यहाँ पे एक बेस्ट आपको डेफिनेशन प्रोवाइड किया जाता है, आई थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज़. पॉलिटिक्स कुल मिला के आप एक तरीका समझ लीजिए, व्हेन पीपल लिविंग इन अ ग्रुप ट्राई टू मेक अ डिसीजन, ठीक है. पॉलिटिक्स क्योंकि अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, अग्रीमेंट बिटवीन थ्री पीपल और मोर देन थ्री पीपल, दे कैन लिव टुगेदर और ग्रुप सच एज ट्राइब, सिटीज एंड कंट्रीज. फॉर इंस्टेंस मी एंड माई अदर टू फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कि वी आर सपोज टू गो ऑन अ ट्रिप, ठीक है. नाउ वट विल आई डू, आई ट्राई टू इन्फ्लुएंस देम बाय गिविंग सर्टेन रीजंस कि नहीं भाई वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं जाना चाहिए, तुम लोग पैसा खर्च करो, मतलब तरीके से. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन इन टू दैट ग्रुप एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेन पावर. आई एम ट्राइंग टू कन्विंस देम कि भाई जो मैं बात बोल रही हूँ ना वो सही है. सो आप ये समझिए, इट्स अबाउट मेकिंग अ डिसीजन, इट्स अबाउट मेकिंग अग्रीमेंट बिटवीन पीपल और अमंग द पीपल. फाइन एनफ, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. अब देखते हैं, पॉलिटिशियंस एंड समटाइम्स अदर पीपल मे गेट टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. वन ऑफ द वे जो यहाँ पे है कि जो गवर्नमेंट है दीज लीड द ग्रुप इज बाय मेकिंग लॉज एंड रूल्स, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे सभी को रेगुलेट किया जा सके और ये बताया जा सके आप लोगों को और हम लोगों को कि हम कर क्या सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, कहाँ पर हमारी चल सकते हैं और कहाँ पर नहीं. सो द गवर्नमेंट here we can say can also control people what happens in our country in other besides making law here. to kanoon banane ke alawa kya chalta hai desh mein wo bata sakte hain. here we see the definition, this politics comprises all kinds of activities jisme cooperation, negotiation, conflict within and between society where people go about organizing their use, production,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन नेचुरल एंड अदर रिसोर्स इन सोशल लाइफ या। लेकिन क्वेश्चन तो ये है ना, हम पढ़ क्या रहे हैं पॉलिटिक्स में? हम पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं अपने राइट्स के बारे में। हम पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे कि व्हाट वी बिलीव इन आर सेल्फ और लाइक व्हाट आर द बिलीव्स वी आर हैविंग। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हियर कि पॉलिटिक्स एक लिविंग सब्जेक्ट है, ब्रीदिंग सब्जेक्ट है। आज से 10 साल पहले जो पॉलिटिक्स थी वो अलग थी, आज से 20 साल पहले अलग थी, 70 साल पहले अलग थी। सो एक्चुअली द वर्ल्ड इज लिविंग इन इटसेल्फ। जैसे कि हमारा संविधान जी रहा है ना, आज की कंडीशन के हिसाब से है। पॉलिटिक्स ऑल्सो लिविंग, इट्स अ ब्रीदिंग सब्जेक्ट जो सांस ले रहा है। पॉलिटिक्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड आर नेशंस प्राइड एंड दिस ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टू दिस वन नेक्स्ट। बट पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे जो वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स इतने सालों से लोगों को इंस्पायर करते आई है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आई। जैसे कि आज हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, वाई वी वैल्यू देम और ये इतने क्यों हैं। हम एक ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट में रह चुके हैं, देन ओनली वी स्टार्टेड वैल्यूइंग देम। जैसे कि अगर कोई इंसान, सोचो ना, बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा अमीर हो, बहुत ज़्यादा अमीर हो, उसको गरीबी का एहसास ही नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इंसान गरीबी से उठकर फिर अमीर बने, उसको पता है कि गरीबी क्या होती है। कुल मिलाकर ये फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये सारे वैल्यूज़ आज पूरी दुनिया, ये सारे वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स हम इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि एक टाइम पे हमारी सोसाइटी एक बहुत ही ऑप्रेसिव, एक बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव वाले एनवायरनमेंट में रह चुकी है एंड वी नो दैट ये सारे प्रिंसिपल्स क्या वैल्यू करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई टू प्रोटेक्ट सच वैल्यूज इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द थिंग द मेन फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट अंडर विच कंट्री इज सपोज टू बी गवर्न्ड। ठीक है, इन सच केस वी आर हैविंग अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्यूमेंट बोला जाता है, डिड नॉट इमर्ज जस्ट ओवरनाइट। किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री के स्ट्रगल को बताता है, उस कंट्री की हिस्ट्री को बताता है, उस कंट्री के ओवरकम वाली सारी चीज़ों को बताता है। बिकॉज एवरी लॉ, एवरी आर्टिकल, एवरी सेक्शन, एवरी स्केड्यूल इज टेलिंग अबाउट दैट हाउ मच दे ओवरकम फ्रॉम पास एंड नाउ दे आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक हियर। तो दे आर बिल्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन आर बिल्ट अपॉन आइडियाज, प्रिंसिपल्स डिबेटेड ऑलमोस्ट जो कौटिल्य के टाइम पर, समझ रहे हो, जब चाणक्य आए थे उस वक्त से, एरिस्टोटल, जेन रस्क, जेन, बेटर टू से रूसो हियर, ठीक है, जेन जैक्स रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन लोगों की ओपिनियंस ने इम्पैक्ट किया, सोसाइटी में रिवॉल्यूशन लाए एंड देन वी स्टार्टेड टू हैव दोज इन टू आर डॉक्यूमेंट। दैट्स फंडामेंटल फॉर एनी कंट्री एज फार एज बैक ये सारे। लेकिन इन लोगों के दिमाग में कैसे आए? ये हम जैसे आम लोग ही थे जो बस क्वेश्चन कर रहे थे, अच्छा वाई डेमोक्रेसी, इसके पास सारी ज़मीनें क्यों होनी चाहिए, ये एक ही पर्सन क्यों कर रहा है, वी ऑल्सो लिव इन अ सोसाइटी, हमारा भी इक्वल हिस्सा होना चाहिए। दे जस्ट क्वेश्चन और उस क्वेश्चनिंग ने इतना पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट किया कि इसकी वजह से आज हम जहाँ रह रहे हैं ना, मी एंड यू, लाइक एबल टू एग्जिस्ट। सो 5th century BC की बात है जब प्लेटो, एरिस्टोटल दे स्टार्टेड डिस्कसिंग विद देयर स्टूडेंट्स कि मोनार्की सही है, डेमोक्रेसी सही है, कौन सा बेटर रहेगा। मॉडर्न टाइम्स में हमारे पास रूसो का एग्जाम्पल है, जिन्होंने सबसे पहले बोला था फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ए ह्यूमन काइंड। आपका जन्म हुआ है तो आपको फ्रीडम चाहिए है, आप इंसान हैं, इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है, लाइक टू गेट अ फ्रीडम व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, आप इंसान हो, दैट्स इट। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इक्वालिटी वॉज एज क्रूशियल एज फ्रीडम हियर। नाउ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में ना महात्मा गांधी ने डिस्कस किया है द मीनिंग ऑफ जेन्यून फ्रीडम और स्वराज इन हिज बुक हिंद स्वराज, के क्या होता है स्वराज, खुद का शासन। डॉक्टर अंबेडकर जी ने बात की है, आर्ग्यूड अबाउट द स्केड्यूल कास्टेस कि इनको माइनॉरिटी कंसिडर किया जाए, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री दे हैड। पॉलिटिकल थ्योरी में कुल मिलाकर हम ऐसे ही आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जिसने हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी आज की सरकार को, हमारी आज की सोशल लाइफ को एक सिस्टमैटिक मैनर दिया एंड कैसे रेगुलेट किया। इट क्लैरिफाइज द मीनिंग्स ऑफ कॉन्सेप्ट जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सो ऑन। इट प्रॉप्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स जैसे कि रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं, ज्यूडिशियल रिव्यू के बारे में बात करते हैं। आप कुल मिला के ना ऐसा बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो खुद से, बहुत सारी चीज़ें ऑन टू विच वी यूज टू डिस्कस। अगर मैं आपको पूरा कंक्लूजन दूँ तो एकदम बेटर तरीका है इसको समझने के लिए, पॉलिटिक्स इज
अबाउट मेकिंग अग्रीमेंट्स, इट्स अबाउट मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट, इज अबाउट मेकिंग नेगोसिएशंस, इट इज़ अबाउट पावर शेयरिंग। एंड पावर शेयरिंग कहीं पे भी हो सकती है, गवर्नमेंट में हो सकती है, कंपनीज में हो सकती है, ग्रुप में हो सकती है, घर में हो सकती है, दोस्तों में हो सकती है, कहीं पे भी। पॉलिटिकल थ्योरी में करते क्या है, आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, इवॉल्व कैसे हुए, एग्जिस्टिंग कंडीशन में जिन हम चीज़ों को आज वैल्यू करते हैं उनको वैल्यू करना क्या सीखा, ये हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। और क्यों सीखा, किसके थ्रू इवॉल्व हुए, किन लोगों ने किया, क्या ये हम जैसे आम लोग थे, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर दिस। अच्छा, इसमें एक बहुत बढ़िया कोट है, मैं यहाँ लिख नहीं पाई क्योंकि ना ये नोट्स वाला है, तो उसमें ये है कि देर इज़ वन ऑफ द थिंकर हु यूज़ टू से दैट कि चाहे कुछ भी हो, कोई इंसान चाहे जितना गलत हो, जितना बेकार हो, कुछ भी हो, दे आर सपोज टू हैव अ राइट टू से। अगर आप मुझे यहाँ पे गालियाँ भी देते हो ना, सी मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊँ, एज बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मेनी टाइम्स व्हेन वी पुट अ कंटेंट, हमको दोनों तरह के फीडबैक मिलते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बट डजेंट मीन दैट आई नेवर फील लाइक कि जो नेगेटिव कमेंट आता है उसको मुझे ना ब्लॉक कर देना चाहिए, स्पैम, आई डू इट जब एक लिमिट क्रॉस की जाए, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ अ राइट। अरे हर कोई मेरी तारीफ करने थोड़ी ना आएगा, दे आर कमिंग हियर, उनको नहीं आ रहा है पसंद तो दे आर सेइंग इट, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज दैट, दैट इज वन ऑफ द कोट विच इज गिवन इन टू योर बुक, बताना ये किसका है, मैं सस्पेंस छोड़ी हूँ आप लोगों के लिए। विच ही सी दैट कि लाइक विच ही सेज इन टू दैट वन कि येस फ्रीडम इज अ फंडामेंटल राइट एंड आई डिफेंड इट अप टू माई डेथ, इवन इफ द पर्सन इज रॉन्ग आई डिफेंड दैट दैट पर्सन हैज अ राइट टू स्पीक, राइट टू पुट फोर्थ हिज व्यूज और हर व्यूज। So that's what is chapter, what is politics and introduction. I hope that you have understood. Please मुझे comment section में बताना है अगर कोई doubt हो तो, और आप इसको जो पूरा मैंने आपको यहाँ पे notes present किए ये चाहिए हो तो मेरे website पर visit कर लो, बड़ा simple सा है, studyshipwithprati.com, और वहाँ पर नहीं मिलते हैं just text me onto my Instagram, I'll just share there too. Thank you so much for watching this video, let's meet into our next video. Subscribe studyshipwithprati, ये है आपका bell icon, यहाँ पर press कर दो, और मिलेंगे हमारे अगले video में, bye bye.